हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉम क्रूज की मूवी मिशन इम्पॉसिबल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें, ये सातवां पार्ट था उनका और डेड रॉकनिंग नाम इसका रखा गया था। तो बता दें कि इस फिल्म में हमें क्या कुछ देखने को मिला है। यदि बता दें कि यदि दुनिया में यदि बेस्ट एक्शन मूवीज के नाम लिखे जाएंगे तो मेरे हिसाब से मिशन इम्पॉसिबल के सारे पार्ट्स उनमें शामिल होंगे। और हाँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला। मिशन इम्पॉसिबल में कुछ नामुमकिन वाले मिशंस करते हुए हमें इथन हंट को, और इस फिल्म के प्रमोशन के लिए हमें बताया जा रहा था कि इसके अंदर जो है टॉम क्रूज जो है एक्चुअल में एक क्लिप पर से एक बाइक से कूद गए थे और ये रियल स्टंट किया गया था। और इस फिल्म ही नहीं बल्कि इसके कई सारे पार्ट्स में, पुराने पार्ट्स में हमें टॉम क्रूज को अनोखे कारनामे करते हुए देखे हैं, वो भी बिना VFX और CGI के। बुर्ज खलीफा से कूदना हो, फ्लाइट से कूदना हो, या फिर एक जेट से लटक के उड़ना हो, हर एक सीन में हम टॉम क्रूज को बिना VFX के इन सारे स्टंट को अकेले करते हुए देखे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि टॉम क्रूज जो है वन ऑफ द बेस्ट एक्शन हीरो है। अब कोई कमेंट में जैकी चैन नहीं लिखेगा क्योंकि वो एक्शन हीरो के बाप हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस फिल्म के अंदर में क्या देखने को मिला। और हाँ, क्या ये पूरी फिल्म हम एक सीन के लिए देखना चाहेंगे, वो टॉम क्रूज का बाइक का सीन ही ये पूरी फिल्म का हाईलाइट था और जो प्रमोशन किया गया था सिर्फ उसी के लिए पूरा फिल्म देखना पड़ेगा। तो मैं कहूँ नहीं भाई, इस फिल्म को उसके लिए तो ना ही देखो, क्योंकि इसके अंदर उसके अलावा और भी कई सारे एक्शन सीन्स हमें भरे पड़े हैं। चाहे वो लास्ट का ट्रेन वाला एक्शन सीक्वेंस हो, भाई साहब कमाल का एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिला है। चाहे वो छोटे वाले गलियारी का एक्शन सीक्वेंस हो या फिर चेस सीन हो, और येलो कार वाला तो चेस सीन और भी कमाल का था। मतलब ओवरऑल पूरे फिल्म के अंदर हमें अच्छे खासे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले हैं। ऊपर से टॉम क्रूज की मूवी है तो हमें बेस्ट एक्शन मूवीज तो देखने को मिलेगी ही। ऊपर से रोटेन टोमेटो पे 99% दिया गया है। यदि मैं मिशन इम्पॉसिबल की हर एक मूवीज की बात करूं तो मुझे लगता कि फर्स्ट दो पार्ट को छोड़ दे तो हर पार्ट को 90% से ऊपर ही रोटेन टोमेटो मिला है। फिल्म के अंदर हमें एजेंट कार्टर भी देखने को मिली है। हाँ, ये हमारी मार्वल वाली सुपर हीरो, जिससे मुझे लगा था शायद उतना रोल इनका नहीं होगा, लेकिन हाँ, इनका जो कैरेक्टर बिल्डअप दिखाया गया है, जो एक्स्ट्रा सीन दिखाया गया, जो एक्शन सीन दिखाए गए हैं, वो बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब कि प्रॉपर फिल्म के अंदर यदि टॉम क्रूज के बाद किसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है तो ये वही कैरेक्टर हैं। ऊपर से इसके अंदर हमें और भी कई चीज़ दिखाए गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का एजेंट्स, बीच में ब्रोकर जो कि माल को सप्लाई करेगा, और हाँ, इसके अंदर जो खतरा है वो भी एक हाई लेवल का है जो कि आज के टाइम के लिए सेट भी करता है। हमें पता ही है कि मिशन इम्पॉसिबल के हर एक पार्ट में एक खतरा होता है और इस खतरे को सॉल्व करने के लिए इथन हंट आते हैं, और यहाँ पर भी उसे एक इम्पॉसिबल मिशन दिया जाता है जो कि इस कोई चीज़ देखने को मिला है। लेकिन हाँ, यहाँ का जो खतरा है एक्चुअली बताया जा रहा है कि ये बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि इस बार जो है ये पूरी दुनिया खतरे में आने वाली है। ये कोई AI है जो कि एक्चुअल में उसे फ्यूचर का पता है, मतलब आगे क्या होने वाला ये सब कुछ जानता है वो। तो ओवरऑल फिल्म की बात करो तो फिल्म फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। यदि आप एक्शन मूवीज आपको अच्छी लगती है तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। और हाँ, ये अभी तक कंप्लीट नहीं है, मतलब कि 2 घंटे 45 मिनट की ये मूवी जो है एक्चुअल में ये पार्ट 1 ही है। इसके अंदर हमें आधे तो कहानी बता दी गई है और हमें आधी कहानी इसके पार्ट 2 में पता चलेगा, जो कि एक्चुअल में अभी हाल में जितनी मूवीज आ रही है हॉलीवुड के अंदर उसके अंदर ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। मतलब कि आधी कहानी फर्स्ट पार्ट के अंदर और आधी कहानी अगले पार्ट के अंदर, क्योंकि हम फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर भी देखा, मतलब कि वहाँ पर भी क्लिफ हैंगर पर हमें छोड़ दिया गया कि आगे कहानी होने क्या वाली है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। मतलब कि ओवरऑल फिल्म लास्ट में ख़त्म तो होने वाली ही होती है, लेकिन हाँ, ख़त्म नहीं होती है, मतलब कि अभी भी इसके अंदर पूरी कहानी बची हुई है, कि विलेन अभी बचा हुआ है। और हाँ, ये जो AI है जो फ्यूचर जान के हर चीज़ प्रिडिक्ट कर देता है, उसे भी पकड़ना बाकी है। मतलब ये मिशन इम्पॉसिबल अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है, जिसका पॉसिबिलिटी हमें अगले पार्ट में देखने को मिलेगा, लेकिन कब तक इसका कन्फर्मेशन अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट का शूटिंग, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आई है। कि आपने मूवी देख ली तो आपको कैसी लगी ये मूवी, नीचे कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।